आप देख रहे हैं अपना समाचार। सर, मेरा नाम सागर परदेसी है और मैं पेशे से एक राइटर हूँ। मैंने तमाम पिक्चरों में गाने लिखा, एक दो स्टेरू भी लिखा, लेकिन मेरे भाई है आर्य शर्मा जी, एक पिक्चर बना रहे हैं, जिन्होंने हमको याद किए, बोले कि भैया एक कहानी चाहिए। मैं एक कहानी बनाया जिसका नाम है नागिन की प्रेम कहानी। तो सर, मेरी ये पिक्चर की टाइटल है और मैं काफ़ी अच्छा सोच बनाया हूँ कि जो हमारी जो गाँव की माटी है, फैमिली ड्रामा है। मैं तो ज़्यादातर ये चाहूँगा कि सर की जो हमारी गांव में पहले ड्रामा होते थे, नाटक होते थे, लुक्कड़ नाटकला, वैसे फिल्म आए, ताकि गांव में तो जन्मे करते सांप वाली पिक्चर, बंदर वाली पिक्चर बहुत लोग लाइक करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी पिक्चर का कहानी दर्शाऊँ ताकि हमारे जो भी दर्शक हैं हमको लाइक करें, हमको प्यार दें, तो आगे जाके हमको और काम मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं आशीष विश्वकर्मा, मूवी में अपना संगीत दे रहा हूँ और हमें मतलब पहला हमारा मूवी है और हमें आशा है कि हम बहुत अच्छे खरे उतरेंगे मूवी में। और गीत संगीत की बात की जाए तो किस तरह से इसमें नयापन होगा? हाँ, नयापन जैसे मान के चलिए कि जिस तरह से हो रहा है हमारे भोजपुरी में, और हम भी कुछ प्रयास करेंगे, अच्छा नया कुछ लेके आए और लाएंगे भी। हाँ, अच्छा लगेगा, दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। सागर परदेसी जी के इसमें गीत है और राइटर जी हैं। हाँ जी, तो कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? बहुत सपोर्ट मिल रहा है इनका भी, और भैया हमारे बता भी रहे हैं कि हाँ कैसे कहाँ आपको क्या करना है, और सपोर्ट भी मिल रहा है, अच्छा हो रहा है। सर, मूवी के बारे में मैं ज्यादातर बताऊँ तो नाग नागिन का प्रेम कहानी है, जैसे हीरो हीरोइन भी आपको बता चुके हैं, बट इसमें जो हमारे सॉन्ग रहेंगे, गाने रहेंगे, ऑडियो वीडियो में कोई कंप्रोमाइज ना रहे, थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे तो हम गाना उसका दो गा सकते हैं। तो यही हमारी है, नहीं होगा चलिए। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? क्या देखिए, हम ऑडियंस से तो यही विनती करेंगे कि प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो पिक्चर है, हमारी पिक्चर को देखे और सिनेमा हॉल तक जाए, ताकि जब चलेगी पिक्चर तो हम चलेंगे या प्रोड्यूसर चलेंगे या अभी जो भी है, क्योंकि कलाकार का जिंदगी पिक्चर में रहती है, जब तक रिलीज नहीं हुई तब तक कोई फायदा नहीं है। हमारे आर्य शर्मा जी अच्छे डायरेक्टर हैं, काफ़ी भी पहले काम किए हैं, पटना से चल के आए हैं मुंबई के धरती पे, यहाँ पे आए तो उनको अच्छे लोग मिले, जैसे संजय विश्वकर्मा जी, उनका बहुत बड़ा एहसान है कि आज आर्य शर्मा जी यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं यही विनती करूँगा कि आगे बढ़े, बड़ा डायरेक्टर बने, ताकि हमारा भी रोजी रोटी चले, बस यही कहूँगा। आप देख रहे हैं अपना समाचार।